दारागंज थाना क्षेत्र में गंगा चौराहा सब्जी मंडी के पास शनिवार सुबह एक आलू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले की जांच की और परिवार की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज करके हत्यारों की तलाश में जुट गई। झुंसी थाना क्षेत्र के मलावा निवासी श्याम जी केसरवानी आलू कारोबारी थे। शनिवार सुबह वो दारागंज सब्जी मंडी गए थे, जहां उसे एक व्यक्ति ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। सूचना पर दारागंज पुलिस समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल को तत्काल उपचार के लिए स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग भी वहां पहुंच गए। घर वालों ने पुरानी रंजिश में बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना 5:40 का है। कैसे, क्या घटना हुई? ये हम लोग मंडी से आए हैं यहाँ आलू उतारने के लिए, और चाचा फिर गए हैं उनके यहाँ पल्लेदार बुलाने, मतलब अरुण का भाई है पवन। उसके बाद मैं गाड़ी में था, चाचा आए उसके बाद गोदाम में गए। चाचा कुछ देर बैठे थे, ठंडी लग रहा था, तो चाचा हमको बाहर निकले, बोले कि जाओ आलू जल्दी उतरवा लो और नहीं तो लेट हो जाएगा। तो मैं जो है चला गया गाड़ी छल्ली पे मैं उठाने, तो पल्लेदार उतार रहा था। चाचा बोले हमसे कि भैया चाबी दे दो, और मैं जो है मैं बोला कि चाबी मेरे पास है, गाड़ी का गेट खुला हुआ है। चाचा गाड़ी में जाके बैठ गए, गाड़ी ऊँची तक छल्ली लगी थी तो खाली हो गई गाड़ी। जब 11 बोरी बच्चा तो गेट खुला गाड़ी का, तो मैं ध्यान नहीं दिया, गेट खुला है और उसके बाद फट से आवाज़ आया गोली का, मैं जैसे पड़ाका उड़ाका बचता है, तो मैं ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद मैं झांका, गेट खुला था, तो मैंने पवन का जो पल्लेदार उतार रहा था, तो मैंने उसको बोला जाओ देखो चाचा को उतरे नहीं है, गेट खुला हुआ है। तो पवन बोला भैया खून, तो मैंने उतर गाड़ी पर से तुरंत उतर के कूद के आया नीचे गाड़ी में देखा। उसके बाद मैं बगल में देखा तो लड़का इतना तेज भगा जो गोली मारा था पीछे साइड से, एक अकेला था, वो अकेला था। उसको जानते हैं आप लोग पहले? मैं नहीं जानता हूँ उसको, मैं बैक साइड से देखा था। उसका भाई थी? उसका भाई था, वो जानता है। किसी की रंजिश थी कैसे पहले? सर मुझे नहीं जानकारी है इसके बारे में। घटना तो ड्राइवर था, हम तो थोड़ा सा तब आ गए थे, पाँच मतलब घटना के 5 मिनट में आ गए थे। किसी को पता था आप? वही बादल, अरुण का लड़का बादल, जिसको पकड़वाए हैं। हाँ दुश्मनी थी, और तो लेन देन का थोड़ा मामला था, और दुश्मनी भी थी, और बाप की किसी दुश्मनी कोई थी नहीं, और उसकी माँ से भी थी। तो उस मर्डर होने के बाद समझ लीजिए उसकी माँ ने जो है मोबाइल निकाल लिया, मोबाइल निकालने के बाद पूरा नंबर डिलीट कर दिया, डिलीट करके फिर जेब में डाल दिया। भाई जो मरे हैं भाई, श्याम जी का। पुलिस उपायुक्त नगर संतोष कुमार मीणा ने बताया कि मृतक के परिजनों से तहरीर लेकर नामजद मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। सुबह 6:45 थाना दारागंज अंतर्गत गंगा मूर्ति तिराए पर एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना मिली, जिस पर थाने की फोर्स वहाँ पर पहुँची और व्यक्ति को SRN पहुँचाया, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को मॉर्चरी में रखवाया गया है। घर वालों को सूचित किया गया, जिनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई है और नामजद मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।